गाइज, एक बिगिनर ब्लॉगर के लिए मोबाइल ब्लॉगिंग से शुरुआत करने का बढ़िया ऑप्शन तो है ही, बट अगर आपको सही टेक्निकल नॉलेज हो ना और आपको ब्लॉगिंग करने का तरीका आता हो तो आप अपने मोबाइल से काफी अच्छे प्रोफेशनल व्लॉग्स बना सकते हैं। बट बहुत सारे बिगिनर्स जो है ना, सही नॉलेज ना होने की वजह से काफी ज्यादा टाइम लगा देते हैं अच्छे व्लॉग्स बनाने में, जिससे उनकी ओवरऑल चैनल की ग्रोथ काफी स्लो हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने कैसे प्रोफेशनल व्लॉग्स बनाने अपने मोबाइल से, क्या क्या इक्विपमेंट आपको चाहिए और इसके अलावा आप कैसे जो है अपने व्लॉग्स में चार चांद लगा सकते हैं। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू। एंड बाय द वे गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपके पास सारी अपडेट आते रहे जो भी वीडियोस आती है। तो करते हैं इस वीडियो को फटाफट से शुरू। तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं व्लॉग के म्यूजिक के बारे में। हम अक्सर परेशान होते हैं कि हम अपने व्लॉग्स में कमर्शियल म्यूजिक या फिर सिनेमैटिक वीडियोस या फिर जैसा हम म्यूजिक चाहते हैं वो कहाँ से लें जिसपे कोई भी कॉपीराइट ना आए, हम बिल्कुल सेफ रहे। तो गाइस, एपिडेमिक साउंड एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आप 35,000 यानी 35,000 से भी ज्यादा म्यूजिक ट्रैक डाउनलोड कर सकते हैं जो बिल्कुल रॉयल्टी फ्री होते हैं, कोई भी उस पर कॉपीराइट नहीं आएगा। एंड गाइस, मैं जो है इस वेबसाइट में यूज करता हूँ कमर्शियल प्लान जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ $12 पर मंथ यानी कि $12 पर महीने के हिसाब से मिल जाता है। तो काफी वैल्यू फॉर मनी प्लान है और अगर आप इस प्लान को लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप ले सकते हैं। और अगर आप वहां से साइन अप करते हैं कोई भी कमर्शियल या फिर पर्सनल प्लान तो गाइज आपको पहला महीना बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। आप एक महीना एपिडेमिक साउंड अच्छे से यूज कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है। तो एक बार जरूर चेक करना एपिडेमिक साउंड, आपको काफी बढ़िया क्वालिटी म्यूजिक और साउंड इफेक्ट्स मिलने वाले, चाहे बात हो सिनेमैटिक की, ट्रांजिशन साउंड्स की, आपको सब कुछ इस वेबसाइट से देखने को मिल जाएगा और आप काफी अच्छे म्यूजिक ट्रैक डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार जाके जरूर देखें और पहला महीना जो फ्री मिल रहा है उसका फायदा जरूर उठाएं। अब ये तो होगी व्लॉग्स के साउंड की बात, बट अब बात करते हैं कैमरा सेटिंग्स आपने क्या रखने अपने मोबाइल में। तो जब भी आप अपने मोबाइल से शूट करें तो आपने अपने वीडियो रेजोल्यूशन को कैमरा में हाई रखना है। अगर 4K में शूट कर पाता है आपका कैमरा मोबाइल का तो आप 4K में करें, फुल HD में कर पाता है तो फुल HD में करें। और सबसे इम्पोर्टेंट जो फ्रेम्स पर सेकेंड है वो आपने ज़्यादा रखने हैं, 60 हो तो 60 या फिर उससे ज़्यादा हो तो ज़्यादा रखने हैं। ऐसा इसलिए गाइस, जितने ज़्यादा फ्रेम्स पर सेकेंड हो गए उतना ही आपका वीडियो स्मूथ होगा। अगर आपको फ्रेम्स पर सेकेंड की थोड़ी बहुत भी नॉलेज नहीं है तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार वो वीडियो देखना आपको समझ आएगा कि फ्रेम्स पर सेकेंड क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो आपने हाई रखने, जितना हाई होगा उतनी वीडियो आपकी स्मूथ बनेगी और आप उसको एडिटिंग में बाद में स्लो मोशन भी कर सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमें इस शॉट को काफी अच्छा एडिटिंग में स्लो मोशन करना चाहिए, तो अगर आपकी वीडियो में हायर फ्रेम्स पर सेकंड होंगे तो आप तभी उसमें स्लो मोशन कर पाएंगे, नहीं होंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो मिनिमम आपने 60 रखना है, 60 से नीचे रखेंगे तो ज़्यादा स्लो मोशन नहीं हो पाएगी, जो भी मूवमेंट आपकी व्लॉग में वो अच्छी नहीं आ पाएगी, थोड़ी बहुत जो है स्लो मोशन करने पर जर्क आएगा। इसके अलावा गाइज, आपने आजकल हर कैमरा में जो है स्टेबलाइजेशन आता है, तो आपने अपने मोबाइल कैमरा में वीडियो स्टेबलाइजेशन ऑन करना है जिससे आपकी वीडियो में जो है स्टेबलाइजेशन रहेगी। हम अक्सर क्या करते हैं, जब भी व्लॉग बनाते हैं तो हम काफी ज्यादा मूवमेंट करते हैं, हम दिखाते हैं पीछे का एरिया, पूरी स्टोरी कवर करते हैं कहाँ पे हम आया, तो काफी ज्यादा मूवमेंट होती है, तो आपने स्टेबलाइजेशन ऑन करनी है जिससे आपकी वीडियो काफी अच्छी प्रोफेशनल लगेगी। तो ये कैमरा सेटिंग्स बहुत बेसिक है बट आपने इसको फॉलो करना है और हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि फेस डिटेक्शन फीचर आपका ऑन रहे। काफी लोग ऑफ कर देते हैं बट फेस डिटेक्शन भी आपने ऑन रखना है, बहुत ही सिंपल सी चीजें बट बहुत इफेक्टिव भी हैं। तो ये तीन चीजें आपने बिल्कुल याद रखनी है, स्टेबलाइजेशन, फेस डिटेक्शन और हायर रेजोल्यूशन। कैमरा सेटिंग्स के अलावा एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो है आपके व्लॉग्स में इंटरेस्टिंग स्टोरी होना या फिर आपकी प्रेजेंटेशन का बढ़िया होना। तो आपने क्या करना है, जो भी आप व्लॉग बना रहे हैं उसको थोड़ा वाइड प्रोस्पेक्टिव में बनाएं, आप जहां भी जा रहे हैं उसको अच्छे से दिखाएं, पीछे का एरिया पूरा दिखाएं। आपने अपने आप को तो दिखाना है बट पीछे का भी पूरा एरिया दिखाना है कि पीछे आपके जो है किस तरह का एनवायरनमेंट है, कैसे नेचर में, कैसे एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं या फिर कहां पे आप घूमने हैं, जो भी आप स्टोरी दिखाना चाहते हैं उसको थोड़ा बहुत जरूर दिखाएं बैकग्राउंड में। एंड गाइज, आप जो भी अपनी स्टोरी बना रहे हैं उसको थोड़ा प्लान्ड वे में लें, आपको पता होना चाहिए कि आपने व्लॉग्स बनाने कहाँ जाना है, वहाँ पे क्या चीज़ बढ़िया होने वाली है, आप उसके बारे में थोड़ी रिसर्च करें कि किस जगह जा रहे हैं, वहाँ पे क्या मशहूर है, क्या आप दिखा सकते हैं ऑडियंस के लिए, वहाँ पे क्या चीज़ नहीं है, तो वो आपने अपने व्लॉग्स में प्लान्ड वे में स्टोरी दिखानी है। और जाहिर सी बात है अगर आप इतना ज़्यादा शूट करेंगे तो आपको गाइज इक्विपमेंट की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, तो आपने जो है या तो गोरिल्ला पॉड या फिर ट्राइपॉड का इस्तेमाल करना है। ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जो आपको बिल्कुल चाहिए चाहिए व्लॉगिंग में। तो गोरिल्ला पॉड बेसिकली एक ट्राइपॉड होता है जो बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है, उसके लेग्स आप जैसे मर्जी फोल्ड कर सकते हैं और आप उसको कहीं भी लगा सकते हैं, आप उसको पेड़ पर, किसी भी टेबल पर, कैसा भी सर्फेस हो, अनइवन सर्फेस हो, आप वहाँ पे उसको लगा सकते हैं। तो बेसिकली गोरिल्ला पॉड बना इसी चीज़ के लिए ताकि आप उसको कहीं पर भी लगा सके, और दूसरा आप उसको हाथ में लेके व्लॉगिंग कर सकते हैं जिससे आपका प्रोस्पेक्टिव काफ़ी ज़्यादा वाइड हो जाएगा वीडियो में। बहुत सारे कैमराज में वाइड एंगल नहीं आते,
तो उस चीज को ओवरकम करने के लिए आप जो है गोरिल्ला पोड को इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से, ताकि आप जो है ज्यादा एरिया दिखा सके। इसके अलावा अगर हमें सेल्फ शूटिंग करनी हो तो आप ट्राइपॉड यूज कर सकते हैं या फिर गोरिल्ला पोड यूज कर सकते हैं। ट्राइपॉड गोरिल्ला पोड दोनों ले सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा गोरिल्ला पोड, कोई भी ले सकते हैं। कुछ अच्छे गोरिल्ला पोड के लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो सेल्फ शूटिंग, टाइम लैप्स या फिर नॉर्मल वीडियोस के लिए आपने जो है गोरिल्ला पोड और स्टैंड को यूज करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑडियो के लिए, तो ऑडियो में गाइज आपने यूज करना है शॉटगन माइक्रोफोन। मैं आपको शुरू में महंगे जो है माइक रिकमेंड नहीं करने वाला, मैं आपको नॉर्मल माइक रिकमेंड करूंगा जो बहुत ही बजट फ्रेंडली और आपके लिए काफी बढ़िया क्वालिटी में अच्छे हैं। तो शॉटगन माइक्रोफोन गाइज आपने यूज करना है, क्योंकि वो बहुत डायरेक्शनल होते हैं। जिस भी डायरेक्शन में उस माइक का फेस होता है वो वहीं से ज्यादा साउंड कैप्चर करते हैं। तो जब भी हम व्लॉग करते हैं तो माइक की जब डायरेक्शन हमारी तरफ होते हैं तो हमारी साउंड पहले वो कैप्चर करता है और पीछे वाली थोड़ी कम कर देता है, यानी कि नॉइस कम करता है। तो इसीलिए हम शॉटगन माइक्रोफोन यूज करते हैं। तो कुछ माइक के लिंक्स भी आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप माइक को जरूर यूज करें। अगर आप माइक को यूज नहीं करेंगे तो आपकी वीडियो में साउंड क्वालिटी थोड़ी सी जो है पुअर रह सकती है। तो इसीलिए गाइज आपने जो है शॉटगन माइक्रोफोन यूज करना है। कॉलर माइक या फिर दूसरा माइक मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, शॉटगन माइक्रोफोन परफेक्ट है व्लॉगिंग करने के लिए। अब जो गाइज मैं आपको चीज बताने वाला हूँ वो आपके व्लॉग्स में चार चांद लगा देंगे, और वो है सिनेमैटिक वीडियोस। गाइज सिनेमैटिक वीडियोस ऐसी वीडियोस होते हैं जो आपके व्लॉग्स में इंटरेस्ट बढ़ाती हैं, जो एक व्यूइंग एक्सपीरियंस काफी बढ़िया करती है। मान लीजिए आप कोई भी चीज दिखा रहे हैं, एक आप उसको बोल बोल के दिखा रहे हैं और एक आप सिनेमैटिक पूरा बी रोल बना के दिखा रहे हैं, तो बहुत फर्क पड़ता है। जब भी आप सिनेमैटिक वीडियोस बनाते हैं तो आपकी वीडियो में ज्यादा इम्पैक्ट आता है, आपकी वीडियो ज्यादा अच्छी दिखती है, ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। बट ऑनेस्टली बताऊं गाइस, अगर आप अच्छी सिनेमैटिक वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आपको मोबाइल गिम्बल की नीड पड़ेगी। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको करनी चाहिए एज ए ब्लॉगर, क्योंकि अगर आपने काम करना है तो आप सही से काम करिए एज ए बिगिनर, नहीं तो आप थोड़ा टाइम बाद जो है जब थोड़ा इंटरमीडिएट हो जाए तब आप जो है इस चीज को परचेस कर सकते हैं। तो आपने गिम्बल परचेस करना है मोबाइल का, बहुत अच्छा गिम्बल एक ज़ूम का आता है, मैं नीचे लिंक डाल दूंगा। तो उसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, आपको गिम्बल के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिलेगी, तो वो एक बार वीडियो आप चेक कर लेना। तो आपने गिम्बल में इन्वेस्ट जरूर करना है जिससे आप सिनेमैटिक वीडियोस बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि अलग अलग तरह के क्रिएटिव शॉट जो है मोबाइल से ले पाते हैं, वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, पैन, टिल्ट, फॉलो, आप जानते होंगे अगर आप गिम्बल के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं कि इस तरह के शॉट अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मोबाइल गिम्बल से ले सकते हैं। इसके अलावा आपके मोबाइल में आजकल सिनेमैटिक मोड भी आता होगा, जो कि काफी सारे मोबाइल्स में आता है, तो सिनेमैटिक मोड हमेशा ऑन रखें जब भी आप मोबाइल से बी रोल बनाने की कोशिश करें। तो सिनेमैटिक वीडियोस के लिए कंक्लूजन यही है कि आपने गिम्बल परचेज करना। अच्छा गाइस, काफी सारे लोग परेशान होते हैं कि जब हम मोबाइल से व्लॉग बनाए तो लो लाइट सिचुएशन या फिर नाइट में कैसे काम करें। तो गाइस देखो, बहुत सारी ऐसी पोर्टेबल लाइट्स आती हैं जो आप यूज कर सकते हैं, बट जो गिम्बल मैंने आपको भी रिकमेंड किया था उसमें आपको आगे की तरफ एलईडी लाइट भी देखने को मिलते हैं जो काफी ब्राइट है। तो जब आप गिम्बल पे वीडियो बनाएंगे ना तो आपको एलईडी लाइट से काफी अच्छा जो है लाइट का सोर्स मिल जाएगा लो लाइट सिचुएशन में। इसके अलावा कुछ एलईडी लाइट्स भी आते हैं जो आप यूज कर सकते हैं, उनका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। तो वो यूज आप करेंगे तो आपकी वीडियोस में काफी बढ़िया जो है क्वालिटी आएगी, क्योंकि गाइस मोबाइल का सेंसर छोटा होता है, आपको एक्सटर्नल लाइट की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी, इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं रहता है। तो ये सभी चीजें गाइस आपने फॉलो करनी है, चाहे बात हो इक्विपमेंट की या फिर स्टोरी टेलिंग की, हर चीज इंपॉर्टेंट है। व्लॉगिंग इतनी आसान नहीं है जितनी हमें लगती है, तो आपने इक्विपमेंट अपने हिसाब से लेने हैं कि आपकी कौन सी स्टेज है, बिगनर है या फिर इंटरमीडिएट है। बिगनर है तो आपको ट्राइपॉड और गोरिल्ला पॉड तो लेना ही चाहिए, मैं कोई भी स्पेसिफिक ब्रांड रिकमेंड नहीं कर रहा, बट आपके बजट में जो आए या फिर जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ उसमें से आपको अगर बेटर लगे तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। और एपिडेमिक साउंड का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वहां से आप साउंड ले सकते हैं। वो एक इन्वेस्टमेंट है जो आपको जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के गाइस कोई फायदा नहीं है। जब तक आप पैसा लगाएंगे नहीं तो पैसा आएगा कैसे? तो एक तरह से ब्लॉगिंग बिजनेस ही है, तभी तो आप मोनेटाइज करके अपनी वीडियोस को कमा पाएंगे। तो इसीलिए आपने उस चीज को फॉलो करना है। तो आई होप गाइस आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला हो। इन केस अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ठीक है गाइस, स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।